साथियों, इस समय देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव गुलामी के लंबे कालखंड में असंख्य बलिदान देकर हमने ये आजादी हासिल की है। इस आजादी की रक्षा करने का दायित्व हम सभी हिंदुस्तानियों के सर पे है, हम सबकी जिम्मेवारी है। आजादी के अमृत काल में हमारे सामने नए लक्ष्य हैं, नए संकल्प हैं, नई चुनौतियां भी हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी। दुर्भाग्य से पहले हमारे देश में सेना से जुड़े संसाधनों के लिए ये मान लिया गया था कि हमें जो कुछ भी मिलेगा विदेशों से ही मिलेगा। हमें टेक्नोलॉजी के मामले में झुकना पड़ता था, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, नए हथियार नए उपकरण खरीदने होते थे तो प्रक्रिया सालों साल चलती रहती थी। यानी एक अफसर फाइल शुरू करें, वो रिटायर हो जाए तब तक भी चीज नहीं पहुंचती थी, ऐसा ही कालखंड था। नतीजा ये कि जरूरत के समय हथियार फिर आपाधापी में खरीदे जाते थे, यहां तक कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है, अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। हमारे देश ये सब कर सकता है, करके दिखाया है। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए भारत ने यह भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का यही तो संकल्प है। अगले कुछ महीनों में इसमें और सामान जुड़ने वाले हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली ये पॉजिटिव लिस्ट और लंबी हो जाएगी। इससे देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा, नए नए हथियारों उपकरणों के निर्माण के लिए निवेश बढ़ेगा। साथियों, आज हमारे देश के भीतर अर्जुन टैंक बन रहे हैं, तेजस जैसे अत्याधुनिक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। अभी विजयादशमी के दिन 7 नई डिफेंस कंपनियों को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी वो अब स्पेशलाइज सेक्टर में आधुनिक रक्षा उपकरण बनाएगी। आज हमारा प्राइवेट सेक्टर भी राष्ट्र रक्षा के संकल्प का सारथी बन रहा है। हमारे कई नए डिफेंस स्टार्टअप्स आज अपना परचम लहरा रहे हैं। हमारे नौजवान 20 22 25 साल के नौजवान क्या क्या चीजें लेकर के आ रहे थे, गर्व होता है। साथियों, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर इस स्पीड को और तेज करने वाले हैं। ये सारे कदम जो आज हम उठा रहे हैं वो भारत के सामर्थ्य के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में हमारी पहचान को भी सशक्त करने वाले हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, को अति भारः, को अति भारः समर्था नाम, यानी जो समर्थ होता है उसके लिए अति भार मायने नहीं रखता, वो सहज ही अपने संकल्पों को सिद्ध करता है। इसलिए आज हमें बदलती दुनिया,
युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार ही अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाना है, उसको नए ताकत के साथ ढालना भी है। हमें अपनी तैयारियों को दुनिया में हो रहे इस तेज परिवर्तन के अनुकूल ही ढालना ही होगा। हमें मालूम है किसी समय हाथी घोड़े पर लड़ाइयां होती थी, अब कोई सोच नहीं सकता हाथी घोड़े की लड़ाई, रूप बदल गया। पहले शायद युद्ध के रूप बदलने में दशकों लग जाते होंगे, शताब्दियां लग जाती होगी। आज तो सुबह एक तरीका होगा तो शाम को दूसरा तरीका होगा लड़ाई का, इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी अपनी जगह बना रही है। आज की युद्ध कला सिर्फ ऑपरेशंस के तौर तरीकों तक ही सीमित नहीं है, आज अलग अलग पहलुओं में बेहतर तालमेल, टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड टैक्टिक्स का उपयोग बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। संगठित नेतृत्व एक्शन में बेहतर समन्वय आज बहुत जरूरी है, इसलिए बीते समय से हर स्तर पर लगातार रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हो या डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, यह हमारी सैन्य शक्ति को बदलते समय के साथ कदम ताल करने में अहम रोल निभा रहे हैं। साथियों, आधुनिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी सैन्य ताकत को और मजबूत करने वाला है। सीमावर्ती इलाकों की कनेक्टिविटी को लेकर पहले कैसे काम होता था, ये आज देश के लोग आप सभी भली भांति जानते हैं। अब आज लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, जैसलमेर से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप तक, हमारे बॉर्डर एरियाज में, हमारे समुद्री तट पर जहां सामान्य कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी, वहां आधुनिक रोड, बड़े बड़े टनल्स, पुल और ऑप्टिकल फाइबर जैसे नेटवर्क बिछाए जा रहे हैं। इससे हमारी डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी में तो भूतपूर्व सुधार हुआ ही है, सैनिकों को भी अब बहुत अधिक सुविधा हो रही है।